बम जी कैसा लग रहा है गर्म पानी में? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। कहाँ से आप लोग? समस्तीपुर जिला से आए हैं। कितने साल से आ रहे हैं आप? पहली बार मैं आया हूँ। और आगे में आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है दंडवत यात्रा जो है अभी बवालों का हो रहा है, और भोलेनाथ की कृपा से जो है इन लोग का हर एक मनोकामना पूरा करें। बम जी बोल बम, कहाँ से हैं आप? पटना से। बम जी कैसा रहा इस बार का यात्रा? बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। और कितने साल से आप आ रहे हैं बम जी? हर हर महादेव बोल बम। दोस्तों स्वागत करते हैं ब्लॉगिंग अजय यूट्यूब चैनल पे, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस प्रकार बोल बम का जयकारा लगाते हुए जो है सारे कांवरिया जो है यहाँ से बाबा धाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और काफ़ी सारे छोटू बम देख सकते हैं हमारे पीछे जो है आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इस वीडियो को जो है यहीं से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए, और जितना होगा आप लोग शेयर और कमेंट करके हर हर महादेव का आप लोग भी जयकारा लगा दे एक साथ, ठीक है? चलिए। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग भूत बंगला का जो गेट है उससे जस्ट थोड़ा पीछे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है यहाँ से अभी गुजर रहे हैं, और भीड़ आप देख लीजिए भाई साहब पूरा एकदम लंबी कतार में कांवरिया जो है आज मुझे देखने को मिल रहा है इस पथ पर, जो कि काफ़ी भीड़ आज देख सकते हैं कांवरिया का हो रहा है, और सावन का अंतिम चरण है इसी कारण कांवरियों का जो भीड़ है बढ़ चुका है। आप देख लीजिए हर जगह पे जो है बोलबम का जयकारों से एकदम इस कांवरिया पर जो है अभी गूंज रहा है, और बहुत सारा कांवरियों से जो है अभी हम लोग बातें भी करेंगे। बम जी बोल बम, कहाँ से हैं आप? पटना से। बम जी कैसा रहा इस बार का यात्रा? बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। और कितने साल से आप आ रहे हैं बम जी? फर्स्ट बार मेरा है। तो दिक्कत वगैरह पैर में कहाँ पे हुआ? कहीं नहीं। चलिए बोल बम बोल बम। देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु जो है पहली बार बाबा धाम आए हुए हैं। और तो दोस्तों अभी भूत बंगला से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और आप देख सकते हैं आज जो है कांवरिया की इस प्रकार काफ़ी भीड़ जो है इस पथ पे देखने को मिल रहा है, काफ़ी कांवरिया जो अभी चल रहे हैं शाम के समय में। अभी का आपका समय हो रहा है 4:30, और देख सकते हैं इस समय में जो है किस प्रकार पूरे कांवरिया पथ में जो है भरा भरा आज बम देखने को मिल रहा है मुझे। चलिए अभी हम लोग जो है काफ़ी डिस्टेंस कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जो है आपको दिखाया मैंने कि आपका रंगा मोड़ का जो पुल है उस पर जो है किस प्रकार आपका यात्री जो है वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, वहीं से इस वीडियो को मैं कंटिन्यू किया हूँ। और देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा जो है कांवर लेकर के अभी जो है इस पथ पे मुझे कांवरिया देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं काफ़ी जो है इसका कांवर जो है सजाया गया इस प्रकार देख सकते हैं। और अब जो है ना सावन का अंतिम चरण आपका आ चुका है, और भीड़ जो है काफ़ी बढ़ने लगा है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अंतिम चरण में यात्रा करने के लिए, तो आप लोग आइए, आप लोगों को जो है मज़ा आएगा एकदम भीड़ भीड़ में चलने में, देख सकते हैं। और चलिए दिखाते हैं जो है अभी सेवा वगैरह जो है कहाँ कहाँ पे अभी आपको मिल रहा है, और यहाँ पे बीच बीच में एडवर्टीजमेंट किया गया है देख लीजिए आप। और इसी के जस्ट आगे में जो है ना आपको यहाँ पे पानी वगैरह शरबत वगैरह जो है यहाँ पे पिलाया जा रहा है कांवरियों को, जो कि यहाँ पे निःशुल्क ये सारा है देख सकते हैं। और आगे में आप देख लीजिए यहाँ पे जो है दंडवत यात्रा जो है अभी बवालों का हो रहा है, और भोलेनाथ की कृपा से जो है इन लोग का हर एक मनोकामना पूरा करें, देख सकते हैं ये है हम लोग का पुकार। और साइड में बहुत सारे बम जो है इधर भी रुके हुए हैं दुकान में, देख सकते हैं दुकान जो है हर जगह पे आपका अभी भी लगा हुआ है। आप लोग ऐसा डाउट में ना रहें कि जो है सावन का अंतिम चरण आ गया, अब जो है दुकान वगैरह खुला है या फिर बंद है, तो हर जगह पर जो है सब कुछ सेवा भी कंटिन्यू दिया जा रहा है, और प्राइवेट दुकान वगैरह भी जो है सब कुछ चालू है। हर हर महादेव बाबा देख सकते हैं यहाँ पे। और आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और जितने भी अभी कांवरिया देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके एक बार जयकारा आप लोग लगा दें हर हर महादेव का। और देख सकते हैं ये नंदी बम सेवा शिविर के सामने आ चुके हैं हम लोग अभी। रास्ते में जो है कांवरियों के लिए यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है ये चार्ज का, देख सकते हैं मात्र 10 रुपये, ठीक है? अगर आप बोलबम यात्रा करते हैं तो आपको रास्ते में जो इस प्रकार मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कांवरिया जो है इस पथ पे चल रहे हैं, इसी के जस्ट बगल में अभी हम लोग दोनों भाई ने एक को चार्ज ले लिए हैं, देख सकते हैं एनर्जी में एकदम आना है, और फिर से जो आप लोगों को वीडियो दिखाना है, ठीक है? तो चलिए देखते रहिए आप लोग। और कांवरिया पथ के रास्ते में जो है इधर निःशुल्क आपको जो है यहाँ पे दिया जा रहा है, इधर देखिए आपका फ्रूटी वगैरह, और यहाँ पे जानते हैं कि ये जो है कितने महीनों के लिए जो है यहाँ पे सेवा वगैरह कांवरे को मिल रहा है। और देख सकते हैं ये बाबा बैद्यनाथ वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो है यहाँ पे निःशुल्क सेवा यहाँ पे कांवरे को मिल रहा है। और भैया आप लोग यहीं के हैं क्या? तो ये सेवा वगैरह जो है पूरे एक महीना अभी मिला ना? दो महीना। तो ये कहाँ के हैं जो सेवा वगैरह दे रहे हैं? ये VIP जॉब के। तो अभी आप लोग का जो है सेवा में क्या क्या दिया जा रहा है? जूस सेवा है, जेल मालिश है, और नींबू चाय है, शरबत है। तो
देख सकते हैं यहाँ पे कांवरियों को जो है लगातार सेवा वगैरह जो है इस प्रकार दिया जा रहा है कांवरिया पथ में, और ये खिजुरिया सरासनी के जस्ट आपको थोड़ा आगे में, ठीक है, तो देख लीजिए कांवरिया पथ के जस्ट किनारे में। और अभी जो है सावन का आपका अंतिम चरण चल रहा है, और इसमें जो है आपको कुछ इस प्रकार यहाँ का जो है इस बाबा बैद्यनाथ वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो है यहाँ पे दिया जा रहा है सब कुछ आपको फ्री, ठीक है, निःशुल्क। आपको अभी दिखाया मैंने कि रास्ते में जो है निःशुल्क सेवा वगैरह भी जो है अभी दिया जा रहा था, और फिर से आगे हम लोग बढ़ गए। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है अभी झरना वगैरह तो बंद है फिलहाल, क्योंकि मौसम ठंड है अभी, इसी कारण इधर जो है सारे झरना भी बंद कर दिए गए हैं, कि देवघर में बारिश भी लगातार आपका हो रहा है ना इसी कारण। और देख सकते हैं कांवरियों का भीड़ जो है आज किस प्रकार हो रहा है। बोलबम देख सकते हैं किस प्रकार कांवरिया जो है विश्राम भी किए हुए हैं, और बहुत सारा जो है रास्ते में अभी चल भी रहे हैं, बोलबम का जयकारा लगाते हुए सारे कांवरिया देख सकते हैं। और अब जो है सावन का अंतिम चरण यानी कि प्रारंभ हो गया, देखते हैं जो है पिछले बार यानी कि मलमास में आपका वे सारे शिविर में जो है थोड़ा सुविधा कम कर दिए गए थे, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या क्या अभी जो है कंटिन्यू रखा गया, ठीक है। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल यहाँ पे कांवरिया पथ में हम लोग हैं और आपको दिखा रहे हैं, इधर जो है थोड़ा डिस्काउंट देते हुए चार्ज का जो है आपको 10 रुपीज़ में दिया जा रहा है, 20 रुपीज़ का अभी श्रावणी मेला स्पेशल। तो अगर आप लोग इस यात्रा कर रहे हैं तो आपको जो है बहुत सारा इस प्रकार डिस्काउंट ऑफर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है शरबत वगैरह कांवरियों को जो है पिलाया जा रहा है, नींबू शरबत पानी जो है यहाँ पे कांवरियों को, देख सकते हैं गोलकुंडी वगैरह। और अब कांवरिया पथ का पूरा दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं, और जितने भी कांवरे देखते हैं अभी हम लोग को कौन कौन जो है पहचान पाता है, ठीक है। ये देखिए खिजुरिया के पास सभी हम लोग हैं, यहाँ पे देखिए पुलिस ऑफिस 4 हैं, और इसी जगह पे रास्ते में जो है ना इसमें 30 या फिर कितना जो है सॉरी 10 या फिर 20 जो है आपका पुलिस ऑफिस इस प्रकार जो है सूचना केंद्र जैसा दिया गया है, जहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। देख लीजिए रास्ते में जो है इधर शरबत वगैरह जो है कांवरियों को जो है नींबू शरबत पिलाया जा रहा है यहाँ पे, और ये देखिए इसके द्वारा रटना दुकान देख लीजिए साइड में जो है हर जगह पे आपका लगा हुआ है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा यात्रा में। अगर रुकते हैं तो आपको हर डेक के आगे जो है हर कदम के आगे आपको इस प्रकार दुकान वगैरह देखने को मिलेगा, दोनों साइड में किसी भी साइड में आप रुक सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी तादाद में जो है कांवरिया आज भी चल रहे हैं, इसीलिए आपका देखिए शनिवार और रविवार का दिन जो है काफ़ी भीड़ रहेगा, और आने वाले समय में जो है लगातार अभी आपका 15 दिन जो सावन चलेगा इसमें लगातार अपडेट वगैरह में आपको देते रहेंगे। बोलबम और मैं आपको अपडेट आप तक शेयर करते रहेंगे कैसा रहता है, तो ज़रूर आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिए अंत तक और देखते रहिए आप लोग। देखिए साइड में जो है ना सरकारी व्यवस्था भी है ठहरने का, जहाँ पर आप रुकते हैं तो आपको कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, इस प्रकार आपका हर जगह पर जो है बना हुआ है। और देखिए मौसम कितना अच्छा, अभी मौसम तो काफ़ी मस्त है, एकदम बादल छाया हुआ है, देखिए बीच बीच में कितना एडवर्टीजमेंट अभी कराया गया है, और देख सकते हैं दोस्तों अभी खिजुरिया के पास हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी इधर भी जो है भीड़ मुझे देखने को मिल रहा है, देख रहे होंगे आप। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे में जो है काफ़ी बड़ा कांवर जो है लेकर के एक बम जा रहे हैं, आइए मैं आपको दिखा दे थोड़ा रुक करके, देख सकते कितना बड़ा जो है कांवर है, और ये बम जी काफ़ी दूर से, कहाँ से हैं बम आप, कहाँ से हैं, कोलकाता वाले बम। देखिए कितना बड़ा जो है कांवर लेकर के अभी जो है बाबा धाम पहुँच चुके हैं, और काफ़ी इन लोग का जो है वजन रहता है ये कांवर। चलिए देखते हैं हावड़ा ब्रिज जो है एक बम जी ने बोला था जो कि अभी देखने को मुझे मिलेगा, जो कि अभी लेकर के आ रहे हैं, और उनसे भी जो है उनका आगे का जो टीम था उनसे भी हम लोग बात भी किए थे। और ये देखिए भाई साहब हावड़ा ब्रिज लेकर के फाइनली आ गए हैं, जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, काफ़ी बड़ा जो है इन लोग का जो है इस प्रकार स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है हावड़ा ब्रिज का। और देखिए इस प्रकार इन लोग का जो है यहाँ पे यात्रा हो रहा है, और काफ़ी बड़ा बड़ा जो है इस प्रकार इनके साथ में पूरे 30 या फिर कितने काम हो रहे थे हावड़ा ब्रिज है देख सकते हैं, और किस प्रकार पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रहा है। और इनके साथ में 30 कांवरिया है, ठीक है, सारे कांवरिया जो है थोड़ा आगे निकल गए, थोड़ा इन लोग के साथ में हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में इस प्रकार, और ये सारा कुछ यूनिक रहता है ना तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि हावड़ा ब्रिज था, ठीक है, कोलकाता में आपका है ना।
देखिए हनुमान जी का मंदिर में आप दान वगैरह दे सकते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली, बोल बम बोल बम। दोस्तों भीड़ देख लीजिए कितना ज़्यादा है, पूरा पथ पे जो है कांवरों का ही भीड़ दिख रहा है, एकदम भरा भरा। मलमास में थोड़ा डाउट था कि जो है भीड़ इतना कम हो गया, लास्ट में भीड़ होगा या नहीं होगा, लेकिन लास्ट में जो भाई साहब भीड़ आपका गजब का बढ़ रहे हैं। अब तो सोमवारी आने दीजिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कितना लंबा लाइन जो है अब देवघर में आपका जाएगा। बोल बम। देखिए इधर भी जो है कांवर है, बड़ा बड़ा कांवर लेकर के जो है अभी बाबा धाम की ओर पहुँचे भी हैं। इनके साथ में देख लीजिए कितने सारे सदस्य हैं इनका जो है कमेटी का, और काफ़ी सारे लोग समूह बनाते भी हैं, इनकी एक साथ ग्रुप बनाते भी आते हैं बाबा धाम, ताकि इन लोग का जो है मन लगता है एकदम एक साथ में सारे लोग आते हैं तो। और दोनों साइड में आप दुकान भी देख लीजिए, सब कुछ लगा हुआ है देख सकते हैं। और बहुत सारा कांवर जो है इस प्रकार इन लोग का अलग अलग पीला कलर या फिर कुछ अलग अलग ड्रेस रहता है, बहुत लोग का जिस प्रकार उन लोग का इंटरेस्ट रहता है जिस प्रकार कलर में, लेकिन गेरुआ कलर थोड़ा अच्छा देखने में लगता है, सारे कांवरिया गेरुआ और पीला कलर में ही आते हैं। बोल बम बोल बम। इधर पुलिस रहने के लिए जो है इस प्रकार बनाया गया है, आप देख सकते हैं, बोल बम बोल बम। और ये देखिए आगे में इधर भी झरना जो कि अभी है लेकिन बंद है, क्योंकि मौसम अच्छा है इसी कारण जो है ये सारा चीज़ अभी जो है बंद कर दिया गया है। देखिए कितना नीचे जो है एकदम गीला है, इधर देखिए पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है अगर ये चालू रहता है तो। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार जो है कांवर लेकर के बम जाए हुए हैं, और मैं बता दूँ ये सारे जो है खिजूरिया पहुँच चुके हैं, जो कि यहाँ पे आगे में इसी जगह पे आपका जो शिविर भी लगा हुआ है इस बार सावन का अंतिम चरण में, जो कि मैं आपको दिखाने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे जो है कार्यक्रम वगैरह हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, वो भी मैं आप तक शेयर करेंगे। अभी आप बहुत लंबा ये वीडियो हो गया, काफ़ी दूर तक अभी हम लोग आ चुके हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका आलोक मोहन स्मृति सेवा आश्रम लातेहार से जो है यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं। और इसी के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं काफी तादाद में जो है इधर कांवरिया भी आ रहे हैं, और ये देखिए आलोक मोहन स्मृति सेवा आश्रम लातेहार, अगर तू सच्चे बाप की बेटी है तो मुझसे बात करेगी। काफी बड़ा ये आश्रम है जो कि आप यहाँ पे रुक सकते हैं। भाई साहब भीड़ देख लीजिए, बोल बम का नारा में जो कितना भीड़ है आज, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। काफी सारे छोटू बम, काफी सारे जो है, और भाई साहब अभी आपको दिखाते हैं डाक बम भी आ रहे हैं। हाँ तो दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पे जो है डाक बम भी आ रहे हैं देख सकते हैं इनके साथ में, और बोल बम की यात्रा में देख सकते हैं कितना समय लगा बम जी, बोल बम देख सकते हैं अभी डाक बम आ चुके हैं। और आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि डाक बम जो अभी चलते हैं या नहीं चलते वो दिखाइए, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कांवरिया पथ में जो है डाक बम भी मुझे देखने को मिला है, और सवेरे में काफी भीड़ रहा था डाक बम का देख सकते हैं। ये लोग हो सकता है कि सवेरे जो है जल लेकर चले होंगे इसलिए यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये आलोक मोहन स्मृति सेवा में जो है कि लातेहार से दिया गया है, और किस प्रकार लगातार कांवरे को जो है पैर वगैरह में अगर दिक्कत होता है तो मालिश वगैरह यहाँ पे यहाँ के जितने भी इनका सदस्य हैं उनके द्वारा इनका सेवा वगैरह दिया जा रहा है, और काफ़ी सालों से इनका जो है यहाँ पे इनके देखा जाए तो 10 से 12 साल से इनका जो है यहाँ पे सेवा वगैरह दिया जा रहा है कांवरे को देख सकते हैं। और सारे यहाँ के जो है सेवादायक हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगता है इस प्रकार सेवा शिविर में हम लोग को भी रुक करके, और देख सकते हैं गर्म पानी में यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे कांवरे जो है अपनी पैर को जो है इसमें डाला गया है ताकि उन लोग को जो है राहत मिले देख सकते हैं एकदम गर्म पानी में। और बम जी कैसा लग रहा है गर्म पानी में? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। कहाँ से आप लोग? समस्तीपुर जिला से आए हैं। कितने साल से आ रहे हैं आप? पहली बार मैं आया। दिक्कत वगैरह क्या हुआ? कुछ नहीं दिक्कत, थोड़ा परेशानी देख सकते हैं। और अभी जो है गर्म पानी में जो है कांवरिया अपना पैर को डुबा करके और आराम जो है यहाँ पे मिल रहे हैं, और देख सकते काफी सारे जो है यहाँ पे कांवर स्टैंड भी रखा गया है देख सकते हैं, कांवरिया यहाँ पे कांवर रख करके और आराम से जो है रुक सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कितने जो है सेवादायक हैं, सारे लोग पानी वगैरह चाय वगैरह यहाँ पे लेकर के जो है और कांवरे को जो है यहाँ पे सेवा वगैरह देने का जो है इन लोग को मौका मिला है देख सकते हैं।
और यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे आपको हाथ धोना है, कहाँ से आपको जो है पानी वगैरह मिलेगा देख सकते हैं। और काफ़ी बड़ा ये शिविर है जो कि हर एक साल आपका लगता है। और ये देख सकते हैं इसका पोस्टर यहाँ पे आलोक मोहन स्मृति सेवा आश्रम लातेहार। दोस्तों आपको अभी जो है रंगा मोड़ पुल से इस वीडियो को कंटिन्यू किए थे और वहाँ से दिखाते हुए आ चुके हैं और ये आलोक मोहन सेवा शिविर के पास आ चुके हैं और यहीं पे इस वीडियो को जो है समाप्त करते हैं। आप लोगों को दिखाएं कि इस प्रकार जो अभी सावन का अंतिम चरण में जो है कांवरिया पथ में आपको सेवा मिल रहा था और इस जगह पर भी जो है इस आश्रम में यानी कि इस सेवा शिविर में भी जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी सेवा वगैरह दिया जा रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। आप लोग इसे साउंड बैकग्राउंड में सुन भी रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और धन्यवाद।